हेलो गाइस, दिस इज अ वेरी बिग अपडेट टुडे। ठीक है, आज के मेरे दिन का, क्योंकि मेरे पास जो है एटलीस्ट 233 प्लस मैसेजेस आ गए कि भैया हम देख रहे हैं क्या एडमिट कार्ड आ गया है, क्या हमारा एग्जाम डेट आ गया है, क्या आ गया, सच में क्या एडमिट कार्ड आ गया। जी हाँ, बिल्कुल नहीं आया है। ठीक है, तो कब आने वाला है हमारा एडमिट कार्ड और कब हमारे एग्जाम के डेट है यार, कम से कम डेट तो बता दो। ठीक है, राइट। CUET वाले, UG वाले बच्चे ये जस्ट आस्किंग कर रहे हैं क्वेश्चन। और भैया क्या सारा प्रोसेस है, क्योंकि जस्ट ये NTA ने कितने हमसे कंजस्टेड फॉर्म भराया है, बहुत सारे स्टूडेंट की फॉर्म में इश्यू आ गया है, ठीक से भर भी नहीं पाए हैं, वेबसाइट पर कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डाल नहीं रखी है। जैसे आप अगर वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो बेसिकली होम पेज पे कुछ डिटेल्स डाल रखी है, देन वहाँ पे तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं, पब्लिक नोटिस, न्यूज एंड इवेंट एंड इम्पोर्टेंट डेट। इम्पोर्टेंट डेट के अंदर तीन ही डेट दे रखी है, सिर्फ 31 मई, 6 अप्रैल। क्या सारा सीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट। हर सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दो। ठीक है, तो यार इसके बारे में अपन कुछ बात कर लेते हैं। देखो यार, सबसे इसके अंदर अभी तक जो है आपका एग्जाम डेट वगैरह आ जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ था, एप्लीकेशन फॉर्म तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा आए हैं, क्योंकि इतने साल क्या होता था, हर यूनिवर्सिटी अपने अपने अलग अलग कंडक्ट कराती थी, लेकिन अभी जो सारा का सारा जिम्मा है वो NTA के पास है। आप सभी को पता होगा, देश की जितने भी बड़ी बड़ी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है वो कंडक्ट बाई NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, सो इस कारण थोड़ा सा इश्यू आ रहा। और अगर अपन बात करें बेसिकली, सो यार आपके जो फॉर्म थे वो पहले उनकी डेट कुछ अलग थी, ड्यू टू स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है, जैसे ट्विटर के पे ऊपर कैंपेन चलाए हमने, सो उसके बेसिस पे जो आपकी एग्जाम डेट एक्सटेंड कर दी गई थी, इसकी वजह से भी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कुछ इश्यू आ रहा है। सो जो है आपके एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। ओके, सो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब क्या टाइम लग रहा है भैया, क्या सारा सीन है और एडमिशन कैसे हो पाएगा, क्योंकि आज तक ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, और ना ही कोई मतलब जस्ट लाइक पहले तो अदर सिस्टम था, अभी अदर सिस्टम है, तो यार कैसे एडमिशन हो पाएगा, राइट। क्योंकि आपका 400 नंबर का पेपर है, ठीक है, एंड मतलब पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से कोड डाल रखे हैं, क्या सारा सीन है भैया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें बस एडमिशन चाहिए, हमें DU में दिला दो, CU हरियाणा में दिला दो, CU राजस्थान में दिला दो, BHU में दिला दो, राइट, हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारी है रिगार्डिंग द गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, भैया गलगोटिया यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन चाहिए, हमें डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, राइट। JNU भी चाहिए भाई साहब, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो पता नहीं कितने लाखों बच्चों ने अप्लाई कर दिया, राइट। भैया इसका क्या कट ऑफ रहने वाला है, ओके सर, आपका जो 400 नंबर का पेपर होता है, बेसिकली कट ऑफ की आने वाले वीडियोज में हम बात कर रहे होंगे, बेसिकली आज अपन बात कर लेते हैं एग्जाम डेट का, कि भैया एग्जाम डेट जो है कब आने वाला है आपका। ओके, सो एज पर द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, NTA तक मत पहुंचाना, ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कहीं कहीं से उठा के लेके आया हूँ। सो यार आपके जो एडमिट कार्ड है, ओके, आपके जो एडमिट कार्ड है वो 26 से लेके 27 जून को आ रहे हैं, ठीक है, हाँ सही सुना तुमने बिल्कुल, 26 से लेके 27 जून को जो आपके एडमिट कार्ड आ रहे हैं। अगर अपन बात करें एग्जाम की, एग्जाम कब होगा भैया हमारा CUET का, सर वैसे तो जितना ज़्यादा लेट होगा उतना ही फ़ायदा आपको, आपके जो बेसिकली जो सेशंस हैं, ओके, कॉलेजों के जो सेशन हैं वो ये लोग ट्राई कर रहे हैं सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर तक स्टार्ट हो जाए, एंड ड्यू टू COVID-19 के कारण इसे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, और सेशन एटलीस्ट दिसंबर तक चले गए थे, दिसंबर के अंदर सेशन स्टार्ट हुए थे। जनरली जो इतने साल है वो एग्ज़ाम जो है बिफोर द COVID-19 एग्जाम होते थे मई के अंदर, मई में ख़त्म हो जाते थे एग्जाम होके, और हमारा जो सेशन है वो जो है जुलाई अगस्त तक स्टार्ट हो जाता था, लेकिन COVID-19 के कारण थोड़ा सा इस पे जो है इम्पैक्ट पड़ा है। अब बेसिकली जो आपके जो एग्जामिनेशन है वो जुलाई के अंदर होने वाले हैं, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के अंदर, ओके, तो मतलब जस्ट लाइक आप मान के चल सकते हो जुलाई में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 16 से लेके कुछ से, एंड ये जो एग्जाम है वो अगस्त तक चलेंगे, ओके, एंड फिर क्या होगा भैया, फिर क्या एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा। यार आपने जो है कुछ कॉलेजेस सेलेक्ट किए होंगे, अपने जो भी आपने फॉर्म फिल किया वहाँ पे कुछ कोड वगैरह होगा, कोड वगैरह से आपने कुछ कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं, कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद बेसिकली जो पिछले साल का जो एडमिशन प्रोसेस है हर यूनिवर्सिटी के लिए इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था सारा का सारा मैंने डाल रखा है जो भी फ्यूचर ऑफ इंडिया पे 2021 की जो हिस्ट्री है, ओके। सो इसके अंदर आपका क्या होगा यार, आपने जो डाल रखे हैं कोड उसके बेसिस पे आपको एंट्रेंस टेस्ट देना, फिर जो है हर जो यूनिवर्सिटी है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, हरियाणा है, गलगोटिया है, मतलब वो प्राइवेट है, जितनी भी ये DU जामिया BHU हैं उनके जो कॉलेजेज हैं उनके कॉलेज की वेबसाइट पे पोर्टल ओपन हो रहा होगा,
वहाँ पे जो जाके हमको वैलिडेशन करना है कि भाई मैं जिंदा हूँ, मैंने NTA की वेबसाइट पे तुम्हारे लिए डाला था। और ये जो सम्राट जो पोर्टल आपको दिख रहा है, ये हर यूनिवर्सिटी के पास जिस जिस बच्चे ने अपनी डिटेल इस पर उस कॉलेज के लिए भरी है, उस बच्चे की डिटेल कॉलेज के पास भेज देगा ये सम्राट पोर्टल कि ये बच्चे इन्होंने आपको सेलेक्ट किया। फिर हम बस उसके उसको तो पता है कि मैंने उसको सेलेक्ट किया, फिर मैं वहाँ पर जाके फिर से अप्लाई कर दूंगा। जस्ट मेरा कोड डालते ही वहाँ पर आ जाएगी, फिर मेरे को कुछ रजिस्ट्रेशन देना है 200-300 रुपये, फिर वहाँ पे आएगा कट ऑफ जनरेट होगा। ठीक है, जितने ज़्यादा बच्चे उतना ज़्यादा कट ऑफ। ओके, अब ये कट ऑफ कितना जाएगा इसके लिए हम फर्दर वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे कि भैया कितना कट ऑफ जाएगा। एंड इस बार जिस प्रकार से एप्लीकेशन आए हैं हर यूनिवर्सिटी के लिए डिस्कस कर रहे होंगे। इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूँ यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं इसके रिगार्डिंग कि भैया एडमिशन के रिगार्डिंग हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे लगेगा, कितनी फ़ीस लगेगी, कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। राइट सर, पिछले जो 3 ईयर्स है, पिछले 3 साल है, ठीक है, उससे जो है 2020 से जो हमारा मिशन CUET एडमिशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर हमारी इंजीनियरिंग वाला टीम है फुली डेडिकेटेड वर्किंग। तो यार इसके अंदर बेसिकली क्या होता है ना, जो सेलेक्शन रेशियो है दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर 1%। सो बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट एंड अदर में प्रॉब्लम आती है। तो जो हमारा मिशन गारंटेड एडमिशन प्लान चलता है, जिसको हम काउंसलिंग या फिर मेंबरशिप प्लान भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो है हम ट्राई करते हैं कि 100% आपका एडमिशन हो जाए इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, DU, जामिया, BHU एंड अदर। क्योंकि जस्ट लाइक स्पॉट एडमिशन भी होता है, वैकेंट सीट भी रहती है, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर मैनेजमेंट सीट होती है। अब जिन बच्चों का इसमें नहीं होता CUET में, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं। यार हमारा मेन मोटिव प्राइवेट नहीं है, हम प्राइवेट का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। ओके, अच्छे अच्छे कुछ कॉलेजेस हैं भी, जैसे बीट्स है, ठीक है, एंड जस्ट लाइक बिट्स पिलानी है, SRM है। ओके, एंड जस्ट लाइक हमारा जस्ट हमारे चैनल पे आपको प्राइवेट के रिगार्डिंग कोई भी कंटेंट नहीं दिख रहा होगा, स्पेशली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जेक दिल्ली, IITs, NITs एंड मेनी मेनी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी काफ़ी अच्छे कॉलेज है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी टक्कर दे रहे हैं। सर उसके अंदर जो है 100% एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है हमारी टीम की तरफ से इन योर डिजायर ब्रांच एंड डिजायर कॉलेज। सो अगर आपको इंटरेस्ट हो देन जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं, हमारा मेंबरशिप प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन तो हो ही गए होंगे, अब बहुत सारे स्टूडेंट का फाइनेंशियल इश्यू होता है, लेकिन आपको जो है बैंक के चक्कर ना काटने पड़े इसके लिए जो आपके डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन वगैरह कराए जाते हैं, ताकि आप जो है बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर अपने नियरेस्ट बैंक से लोन ले सकें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी बैंकों के चक्कर में फंस जाते हैं, उनका जो इंटरेस्ट ज़्यादा लिया जाता है और उनके लिए वो संभाल पाना बहुत मुश्किल है। सो इसके अंदर जो स्टूडेंट की पूरी हेल्प की जाती है, एंड सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि ट्राई किया जाता है 100% टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। सर इससे बड़ी और ज़्यादा बड़ी खुशी क्या हो सकती है। एंड यार जो अभी मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया है, तो जस्ट उसको ज़रूर जाके फॉलो करिए, वहाँ पे भी मैं इसके एडमिशन के रिगार्डिंग अच्छी अच्छी पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ। यार उसको आप ज़रूर से फॉलो कर लो यार, प्लीज़ यार, ठीक है, छोटे भाई को थोड़ा तो सपोर्ट करो कम से कम। राइट, क्योंकि जस्ट आजकल इंस्टा का बहुत ज़्यादा फर्क ऑफ है, ठीक है, फिर हम भी डांस करेंगे उस पर। ओके, तो यार फॉलो जरूर करना, इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर करियो, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।